दोस्तों, मैं हूं फरमान अली और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ब्लड डोनेशन ड्राइव। आज हमने एक छोटी सी एक्टिविटी रखी इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलके। हमने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना ब्लड कैंप लगाया, जो डोनेशन करेंगे हम इंडस हॉस्पिटल को, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंडस हॉस्पिटल वन ऑफ बेस्ट हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहा है गरीबों का। और उधर जो है ना खून की बहुत ज़्यादा जो है किल्लत हुई हुई है, और वहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़ी क्वांटिटी में हैं जो कैंसर के मरीज हैं, उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलें चल के देखते हैं हम, और डॉक्टर से बात भी करेंगे ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, क्या मतलब वो कैंप से जो ये लगाते हैं उससे क्या बेनिफिट होते हैं या क्या क्या चीज़ें करते हैं वो। इजाज़त, चलें फिर चलते हैं आगे, चल के देखते हैं क्या होता है। हमारे साहब डॉक्टर नवीद हैं इंडस हॉस्पिटल से, तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो ड्राइव करते हैं इसके क्या बेनिफिट होते हैं या इसके क्या रद्द अमल होते हैं, ये जो ब्लड लेते हैं उसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं सारी चीजें। तो डॉक्टर साहब, और ब्लड डोनेशन से ये होता है कि आपके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, और जो आप जो ब्लड डोनेट करते हैं वो ज्यादातर हमारे कैंसर पेशेंट्स को लगता है। जो आप एक ब्लड डोनेट करते हैं वो तीन लोगों की जान बचा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो ब्लड जाता है हमारे लैब में उसके तीन कॉम्पोनेंट्स बनते हैं, एक रेड सेल होता है, एक व्हाइट सेल, एक प्लेटलेट्स, तो तीन अलग अलग पेशेंट्स के इस्तेमाल में आता है। इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। ब्लड देने से एक ये होता है कि आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, इसके रिस्क काफी कम हो जाते हैं, बहुत से कैंसर ऐसे हैं उसके रिस्क इन फ्यूचर बहुत कम हो जाते हैं, और एक तरह से आपको वेट लॉस भी होता है, क्योंकि आप जो एक पॉइंट ऑफ ब्लड आप देते हैं तो तकरीबन 700 कैलोरीज आपकी बॉडी से लूज होती हैं। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल और काफी आप रिफ्रेशिंग होते हैं ब्लड देने के बाद। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ब्लड देने के बाद बहुत वीकनेस हो जाती है, तो दैट्स मेन, ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्लड डोनेट आप कर सकते हैं, आप वॉलंटियर कर सकते हैं, और इसके एक और फायदे ये हैं कि आप टेस्टिंग भी हो जाती है। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। और ये डॉक्टर साहब की टीम बैठी हुई यहाँ पे वर्किंग कर रही है, ये इनका कंप्लीट सेटअप होता है। ये यहाँ पे चेक करते हैं पहले के पेशेंट जो है वो ब्लड देने के लिए डोनेट करने के लिए स्टेबल है या नहीं है। ये पूरा इनका इंस्ट्रूमेंट है, ये इनका पूरा सेटअप लगा हुआ है। ये जुनेद साहब है हमारे मार्केटिंग टीम के, तो जुनेद साहब से थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहेंगे कि जुनेद साहब फीडबैक देंगे आप इसने एक्टिविटी के बारे में। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक तो मिल रहा है, और आई होप के आगे भी लोग इसमें आके पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह। ब्लड देना एक बहुत ही, सब लोग जो भी देख रहे हैं मैं उसको बताऊं कि ब्लड देना एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी होती है। बहुत सारे लोग थोड़ा कतराते हैं कि जी हम ब्लड देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आप इसको अपनी रेगुलर हैबिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ना सिर्फ ये आप किसी इंसान की हेल्प करेगा बल्कि आप भी खुद बहुत हेल्दी रहेंगे। तो जो लोग भी देख रहे हैं मैं आप लोगों सबको बोलता हूँ कि प्लीज ब्लड दिया करें, आप हेल्दी रहेंगे। थैंक यू। ये यासिर साहब यहाँ लेटे हुए जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं इंडस हॉस्पिटल को, तो यासिर कैसा फील कर रहे हैं आप खून देते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छे काम के लिए ब्लड दे रहे हैं, और लाइफ में फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ तो थोड़ा सा शुरू में नर्वस थे आप, लेकिन ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई ऐसा इशू नहीं है, बेहोशी वैसे होती भी नहीं है यासिर साहब। सबसे अच्छी बात ये है कि आखिर में दो बोतलें जूस की ही मिलेंगी। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा, आपने कैसर साहब आपने खून दे दिया, आपको जूस की बोतल मिल भी गई है, तो क्या बोलेंगे आप इस बारे में, कैसा फील कर रहे हैं खून देके? के बाद देना चाहिए, ये जुकाम है, खुशन का जुकाम है, इसको देना चाहिए, तो ये अच्छी चीज है, 6 महीने के बाद ये लेना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ फैजान भाई लेटे हुए और इनकी जो है ना बोतल भरने में भी बहुत टाइम है, क्योंकि खून बहुत स्लो निकल रहा है, क्योंकि ये जब खून इनको लेने शुरू किया था तो ये टेंशन में आ गए थे, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तो फैजान भाई क्या बोलेंगे आप? आप जब तक भाई लोग हम लोगों के साथ हैं टेंशन ऐसे ही आती रहेगी, डोंट वरी अबाउट और ब्लड प्रेशर ऊपर ऐसे नहीं। आपका ब्लड प्रेशर ऊपर क्यों चला जाता है जब आप खून देना शुरू करते हैं? यार ये वक्त के साथ साथ होता जा रहा है, और यानी कि आप कह रहे हैं आप बुढ़े हो गए? आप जैसे भाइयों को मैंने पहले ही बोल दिया है,
की वजह से। जूस की बोतल जरूर ठंडी करवा दीजिएगा भाई। जूस की बोतल ठंडी है, आप खून दे के उठेंगे तो आपको ठंडी एकदम यख बोतल मिलेगी। मिलिएगा जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आज्ञा उसको रिकवर करते हैं। ओके ओके ओके। सामा टेंशन फील कर रहे हैं कुछ आप ब्लड देते हुए? उमेर भाई मुझे लग रहा है कि टेंशन से फील हो रही है इनको ब्लड देने से पहले ना। उमेर भी पहले कभी दिया है ब्लड आपने? पहली मरतबा। वो चेहरे से वाजे हो रहा है आपका पहली दफा डोनेशन का सिलसिला है। टेंशन में एक चेहरा लग रहा है कि कितनी बड़ी सुई है ऐसे घुसेगी। ऐसे ही है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो सुई से डर नहीं लगता आपको? अच्छा ब्लड से डर लगता है। वो डायलॉग है ना, सुई से डर नहीं लगता साहब, ब्लड से डर लगता है। डर तो किसी से भी नहीं लगता। अच्छा अच्छी बात है, चलिए ये तो एक अच्छा साइन है कि आपको डर नहीं लगता। ब्रीफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक काम के लिए आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं। आपकी इस एक बोतल से कितने बच्चों की जान बच सकती है ये शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तो शायद हम भी अंदाजा नहीं लगा सकते। गुड, अच्छी एक्टिविटी है। सलमान भाई कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा कैसा फील हो रहा है? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? ज्यादा मत दो, अभी गांव जाना है बेगम के पास। ये अली राजा जो है प्रिपरेशन में है ब्लड देने की, S&S जो है ये बैठे हैं वेटिंग पे, शहबाज और शहजाद। देने से पहले कैसा फील हो रहा है? देने के बाद मिलिएगा आपसे, अकेले में पूछूंगा आपसे। ठीक है चलें। उन सब की मुझे सपोर्ट चाहिए, इनवाइस। ये कैंडिडेट्स ब्लड डोनेट करते हुए सपोर्ट कैसे? किसी की आती भी है, किसी की ईमेल है, किसी का व्हाट्सएप है। सपोर्ट तहा साहब कह रहे हैं आंदा से अगर मैं तुम्हें ना दूंगा तो तुम मुझसे इनवाइस लिया करो, मुझसे डिमांड करो। ये एक बंदे ने ऑलरेडी ब्लड दिया और ये उसको और भरपूर टेंशन दे के बोल रहे हैं कि तुम खड़े नहीं होना सीट से। ठीक है तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे? हम तारा ये हारिस साहब तैयार होते हुए खून देने के लिए, इनका डेटा रिकॉर्ड हो रहा है सारा, और सारा उस साइड में डाल। कोशिश करना साइड में गिफ्ट पीस ना हो, रिवर्स हो सीधा सीधा। अबू रेहान कैसा फील हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बॉल दबाने में या खून देने में? बॉल दबाने में। चलो गुड, जबरदस्त। अच्छा जी ये जमाल भाई हैं हमारे फाइनल कैंडिडेट्स जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये इनकी बोतल भरना शुरू हो गई है। अच्छा फाइनली आज की ड्रिल कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, मजीद कोई चीज़ लेकर आएंगे आपके सामने। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को, खुदा हाफ़िज़।